नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने वाला हूं, वो वीडियो है रिबाहा इमरान का और वीडियो का टाइटल है इंडिया क्रॉसेज हिस्टोरिक 100 करोड़ COVID-19 वैक्सीन डोजेस। तो इस पर पाकिस्तानी जनता क्या कह रही है, इस पर ये रिएक्शन है। तो चलिए बिना किसी देर के देखते हैं कि भाई भारत की इस इतनी बड़ी अचीवमेंट पर पाकिस्तानी जनता क्या सोच रखती है। आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि इंडिया ने आज की डेट में 100 करोड़ वैक्सीनेशन जो है ना, लोगों को वैक्सीनेट कर दिया, 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोजेज लगा दिए, आप इसको कैसे देखें। कुछ लोग हमारी जो पाकिस्तानी नेशन है उनके माइंड में आजकल ये चल रहा है कि ये कोविड की जो वैक्सीन है इससे डेथ हो रही है, ये हो रहा, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक पढ़े लिखे कौम होने का सबूत देना चाहिए, वैक्सीनेशन करवानी चाहिए हर बंदे को। अगर इंडिया ने आप किया डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टेप है, अगर पाकिस्तान भी कर रहा है। लेकिन कुछ लोग अभी भी उनका माइंडसेट ये है कि नहीं जी ये वैक्सीनेशन नहीं होनी चाहिए, हमने नहीं करवानी, इससे डेथ का इशू, मौत का इशू बन रहा है। कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीनेशन अगर आप नहीं करवाते तो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि हाँ साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि अगर आप कहीं भी लगवाते हैं तो एक माह के अंदर आप किसी खला में या हवाई सफ़र करते हैं तो उस सूरत में उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं डेफिनेटली। अदरवाइज़ ये लगवानी चाहिए, हर बंदे को लगवानी चाहिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अच्छी चीज़ है। हम इसको कोविड, जैसे आजकल कोविड हो गया, डेंगू हो गया, बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इसी वजह से ये हमारी लापरवाही की वजह से हम लोग एहतियात नहीं बरत रहे, मास्क नहीं, हालाँकि मैंने भी मास्क नहीं लगाया हुआ, आपने भी नहीं लगाया हुआ, ये हम लोग लापरवाहियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से ये इशू हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि एक अच्छी कौम हो, एक पढ़े लिखे होने का, ज़िम्मेदार शहरी होने का हम खुद सबूत दें। हमारी गवर्नमेंट को, हम अपनी गवर्नमेंट को कहते हैं कि जी हाँ गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, जब हम खुद नहीं ठीक होंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी। हमें पहले खुद को ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद हम गवर्नमेंट पर उंगली उठा सकते हैं ना। देखें जी, अच्छी बात है अगर ट्रोली वहाँ पर वैक्सीनेशन इतनी हुई हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, हर जगह पर ऐसे होना चाहिए, वैक्सीनेशन हर किसी को करवानी चाहिए, ये सबके लिए फ़ायदेमंद है, कम्युनिटी के लिए भी, हमारे इकानमी के लिए भी, हमारी अपनी सेहत के लिए भी, अगर ये ट्रूली अगर हुई हैं। अगर फेक एंट्रीज़ जैसे कि यहाँ पे भी हमारे यहाँ काफ़ी सारी फेक एंट्रीज़ हुई हैं, अगर वहाँ पे भी यही सिचुएशन है तो ये मतलब अच्छी बात नहीं है। अगर वैसे हकीकत में इतनी एंट्रीज़ हुई तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें भी उनको फॉलो करना चाहिए, इन दिस सेंस हमें भी वैक्सीनेशन सबको करवानी चाहिए पाकिस्तानी का, यानी कि हमें उनसे सीखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। जहर है, जो भी बात सही हो वो हमें चाहे जहाँ से भी मिले वो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। मैं इसको ऐसे देखती हूँ कि बहुत अच्छा कि अगर उन लोगों ने अपनी 1 अरब आबादी को वैक्सीनेटेड कर दिया, बिकॉज वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, ये बात हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। डिफरेंट वेरियंट का अगर हम लोग देखें तो रोज़ जिक्र हो रहा था, अब एक नया कैलिफोर्निया वेरियंट भी आ गया, उस हिसाब से अगर डेल्टा वेरियंट इंडिया की तरफ से भी था ना तो उनके लिए बहुत ज़रूरी था, बिकॉज दे आर फाइटिंग सिंस मेनी मंथ्स, तो उनके लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी थी। अगर उन्होंने ये चीज़ किया तो उनकी सक्सेस इस चीज़ में, कम से कम लोग सेफ हैं। ये रिकमेंड करूँगा पाकिस्तान को भी कि ये वैक्सीनेशन लगाएं, अच्छी चीज़ है, नहीं है ख़राब चीज़ ऐसी। मैं भी वैक्सीन हूँ प्रॉपर, डबल वैक्सीन मुझे भी लग चुकी है, और ये है कि हम भी इंशाल्लाह बीट कर सकते हैं उनको, और लगाएं, आवाम को ये लोग शऊर दें और जगह जगह हर चीज़ को मस्ट कर दें, हर जगह जाना पब्लिक प्लेसेस पे, तो इंशाल्लाह हमारी आवाम भी लगाएगी। तो इंडिया में डेथ बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है, तो ये इनको अप्रिशिएट जरा करना चाहिए कि आज की डेट में इन्होंने इतनी वैक्सीन लगा दी है, क्योंकि इनके हालात भी बहुत नाजुक थे, डेथ बहुत ज़्यादा हुई, और कोरोना तो काफ़ी मुल्कों में था, काफ़ी क्या हर मुल्क में था, तो पाकिस्तान की एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि भाई साहब को या जो भी पाकिस्तानी जनता में या जो भी पाकिस्तान में या हमारे देश में भी जो लोग नहीं जानते कि डेथ कितनी हुई है, डेथ हुई है, लाखों में डेथ हुई है। लेकिन अगर आप विकसित देशों में और विकासशील देशों में आप देखेंगे जो परसेंटेज ऑफ डेथ है, यानी कि 100 में से अब हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं, हमारे पास आप समझ रहे हैं 140 करोड़ लोग हैं हमारे पास, उसमें कितना परसेंटेज ऑफ डेथ है। और वही आप यूएसए को देखेंगे, आप इटली को देखेंगे, आप बाकी दूसरी बड़ी कंट्रीज को देखेंगे, वहां पर डेथ रेट बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये मैं कुछ डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी हमने चीजों को संभाल लिया है, और जहां पर सरकार नाकाम है वहां पर तो मैं खुलेआम उसका विरोध करता हूं, और इस मामले में हुई है नाकामी सरकार को, जो सेकंड अटैक हुआ कोरोना का, सेकंड वेव आई, तो उसमें लापरवाही हुई है, बिल्कुल लापरवाही हुई, फर्स्ट में नहीं हुई थी,
सेकंड में हुई और उसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ा। लेकिन अगर ये कहते हैं कि भाई भारत में ही सबसे ज्यादा डेथ हुई है, ये गलत है, ये डेटा गलत है। आप चेक कर लीजिए, सब कुछ अवेलेबल है, नेट पर सब कुछ अवेलेबल है, ये डेटा गलत है। सबसे ज्यादा डेथ भारत में नहीं हुई है, और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो बिल्कुल ही डेथ रेट जो है वो दूसरे देशों के मुकाबले, अमेरिका, इटली, इन लोगों के मुकाबले बहुत कम है। जो देखी जाए वैक्सीनेशन, वो तो 5 करोड़ को लग ही गई है, तो इंडिया को अच्छा टारगेट जो कि इन्होंने अचीव किया कि इन्होंने जो कि इतनी वैक्सीन लगा दी है। दुनिया ने डाउट किया था और कहा था कि ये परसेप्शन थी इंडिया के बारे में कि इंडिया में बहुत ज़्यादा हालात मज़ीद बिगड़ जाएंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह कोविड की सिचुएशन को टैकल किया और इतनी ज़्यादा वैक्सीनेशन उन्होंने लगा दी आज की डेट में, 10 महीने में उन्होंने ये रिकवर किया है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो बड़ा अच्छा कमबैक किया है उन्होंने, काफ़ी सारे हालात दरमियान में ख़राब हुए थे और वहाँ पर वो एक ब्लैक फंगस भी था जो कोविड के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था, तो उसको जितना जल्दी उन्होंने टैकल किया है ये बड़ी अच्छी बात है। बाकी दुनिया के लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि हमें भी मतलब इन द सेंस सीखना चाहिए उनके तजर्बे से, उनके एक्सपीरियंस से। पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह हालात इतने ख़राब नहीं हुए जितने हमारे हमसाया ममालिक में हुए हैं, मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने टैकल किया है तो जहाँ पर भी हालात ख़राब हों तो उनसे सीखना चाहिए ज़ाहिर। वैसे पाकिस्तान में हालात अल्हम्दुलिल्लाह उतने ख़राब नहीं हुए जितने इंडिया में ख़राब हुए थे। लास्ट मेरा सवाल ये है सर कि इंडिया को वर्ल्ड की फास्टेस्ट वैक्सीनेशन का खिताब दिया गया है, ठीक है, क्या वजह नज़र आती है कि हमें ये क्यों नहीं मिल पाया? एक तो ये है कि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की नस्बत, और दूसरा जितनी आबादी है ज़ाहिर उन्होंने जो वहाँ पे रूल ऑफ लॉ बनाया उसको फॉलो किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया, फुल फ्लेज लॉकडाउन से अगर लोग जाते भी थे कहीं पे तो वो उनके मास्क होते थे नहीं तो उनको चलांस होते थे, बहुत सारी चीज़ें थी। अगर देखा जाए तो उन्होंने 10 मंथ्स में अगर इस चीज़ को ओवरकम किया तो बहुत अच्छी सक्सेस है उनके लिए, दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। जैसे कि मैंने सुना था कि इंडिया में अगर यहाँ पे तो होते ना कि वर्क फ्रॉम होम कर लिया, अगर स्कूल में तो फर्लो पे भेज दिया, लोगों की तनख्वाहें एट स्टेक हैं, लोगों की करियर्स एट स्टेक लग गए, लेकिन वहाँ पे अगर इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए और अपनी आवाम को उन्होंने फुल फ्लेज हेल्प किया इस चीज़ में तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ किया, बिकॉज अगर वहाँ पर आवाम मर नहीं रही है, उनका उन्होंने वैक्सीनेट कर दिया, अब आई गेस दे आर बैक टू नॉर्मल, उन्होंने शायद सब कुछ खोल भी दिया, आने वाले दिनों में सब कुछ वैसे भी खोल रहे हैं, तो अच्छी बात है अगर उन्होंने सबको वैक्सीनेट कर दिया। और इकॉनमी उनकी जितनी डाउन जा रही थी, दे हैव वर्कड हार्ड, उन्होंने उसको दोबारा अपराइज दिया है और उन्होंने अपनी इकॉनमी को भी साथ साथ बचाया, तो इस तरह के स्टेप्स उठाने चाहिए एंड आई गेस इंडिया हैज़ डन अ ग्रेट थिंग। अच्छा, ये उनकी पहले तो मोदी सरकार था, अभी भी है मोदी सरकार, पर उन्होंने जब गौर व फिक्र किया इस पर कि आवाम बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है, आपने भी देखा होगा टीवी पे काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई है उसकी कोरोना की वजह से, वहाँ पे कोरोना इतना था और आबादी कुछ ज़्यादा है उधर, तो उसको मद्देनज़र रख के उन्होंने ये बड़ा अच्छा टारगेट किया है कि जो कि कोरोना वैक्सीन को बड़ी जल्दी कवर किया और अब जाके उनके हालात बेहतर हुए हैं। मैं यही बताऊंगा कि इंडिया का जैसे था कि वाकई हाल बहुत बुरा होना था, लेकिन ये है कि उन्होंने अपने आप कंट्रोल किया, वैक्सीनेशन लगवाई और SOPs का बहुत सख्त तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन कराई, तो इस वजह से ये है कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा और माशाल्लाह से वहाँ भी सब कुछ सही रहा। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि थोड़ा सा SOPs वगैरह पे सख्त करे, तो इंशाल्लाह ये है कि हमारा यहाँ भी बहुत अच्छा हो जाएगा और हम काफ़ी आगे चले जाएंगे इंडिया से भी। देखिए, कोई भी मुल्क है वो हम ऐसे नहीं कह सकते, हर ज़ाहिर बात है हर गवर्नमेंट हर मुल्क अच्छा सोचता है अपनी कौम के लिए, हमारी गवर्नमेंट भी अच्छे इकदाम कर रही है, लेकिन एज ए इमरान खान की आजकल सब इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं। एक बात एक एंगल से देखा जाए तो खान ने कुछ काम अच्छे भी किए हैं, लेकिन कैबिनेट उसकी हुई है तो हमें सर मेरा बेसिकली सवाल ये है कि इंडिया ने वैक्सीनेशन डोजेज़ जो हैं अपने अपने मुल्क में जो है 10 दिन में उन्होंने 10 महीने में अपने ना मुल्क में कोविड की सिचुएशन को बेहतर कर लिया, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसी बात पे आ रहा था कि हाँ, इंडिया ने जो कोविड की सिचुएशन उसकी इंडिया में बहुत ज़्यादा कोविड फैल गया था तो उन्होंने अपने अच्छी बात उन्होंने कंट्रोल किया, लेकिन पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे स्टेप लिए जाएं कि जहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन अभी तक नहीं पहुँच सकी, आपके हॉस्पिटल्स में देख लें रश बहुत बढ़ गया है, आपको कोविड डोज मिल नहीं रही, ये पीछे कोविड का ये सिलसिला जो चला था कि लोग सिर्फ जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई सिर्फ कार्ड्स बनवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी अगर उनकी
गवर्नमेंट ने अच्छा स्टेप लिया तो उनकी आवाम ने भी उनका साथ दिया है। पाकिस्तान की आवाम इस गवर्नमेंट के साथ नहीं चलेगी तो आप डेफिनेटली आप इस बीमारी का ज़्यादा शिकार होंगे। इंडिया को वर्ल्ड की फास्टेस्ट वैक्सीनेशन का खिताब दिया गया है, ठीक है, क्या वजह नज़र आती है कि हमें ये क्यों नहीं मिल पाया? एक तो ये है कि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की नस्बत, और दूसरा जितनी आबादी है ज़ाहिर है उतने उनके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी होंगे, तो इस वजह से भी हो सकता है कि उन्होंने इसको वो इतने जल्दी उन्होंने वैक्सीनेशन का जो हदफ है उन्होंने कंप्लीट कर लिया। और पाकिस्तान का हो सकता है कि पहले शुरू में हमें दूसरा ये होता है कि इकोनॉमिकली वर्ल्ड में अगर देखें तो वहाँ पे भी जिस तरह हर चीज़ में पॉलिटिक्स होती है वहाँ पे वैक्सीनेशन की प्रोविज़न में भी पॉलिटिक्स हुई है। जो मुल्क ज़्यादा जिनकी इकानमी ज़्यादा अच्छी थी उनको पहले मिली है, और जिनकी इकानमी जो है कमज़ोर थी, जिनका जो है पॉलिटिकली इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, गरीब ममालिक थे, डेवलपिंग कंट्रीज़ थे, उनको वैक्सीनेशन बाद में मिली है। हमें भी काफ़ी देर से मिली है वैक्सीनेशन, तो हो सकता है कि इंडिया का ये भी एक फैक्टर है कि उनको वैक्सीनेशन मिली पहले है वैक्सीन, इस वजह से उन्होंने जल्दी उन्होंने कूप अप कर लिया सारा कुछ। वैक्सीन मिली है या उन्होंने खुद बनाई? उन्होंने बनाई भी है, वो उसके उतने वो नहीं थे, इफेक्टिव नहीं थी इतनी ज़्यादा, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ कंट्रीज़ में भेजी थी, वहाँ पे भी उन्होंने प्रूव किया कि जी ये कोई इतनी ज़्यादा इफेक्टिव वैक्सीनेशन नहीं है। तो लेकिन बहरहाल इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है तो बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया में मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू अपनी वैक्सीनेशन उधर क्यों मैन्युफैक्चरिंग करा रही हैं? अगर उनकी वैक्सीनेशन इतनी इफेक्टिव नहीं है तो शुरू में क्यों जा रहे हैं? शुरू में नहीं थी, अब आजकल रिसेंट डेटा जो है ना वो मेरे पास, मैंने स्टडी नहीं किया हुआ तो उस बारे में मैं ज़्यादा आपको नहीं बता सकता। शुरू में ये था कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ में ये डाउटफुल थे इनके रिजल्ट्स वगैरह, काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने इनको जो है ना विदड्रा भी कर ली थी वैक्सीनेशन इनसे जो है ना इनको वापस कर दी हुई थी, तो अब जो है रिसेंट डेटा मेरे पास नहीं है। तो हो सकता है एक फैक्टर ये भी है कि उन्होंने खुद अपनी वैक्सीनेशन बनवाई थी, और दूसरा ये है कि उनको वैक्सीनेशन मिली भी पहले होगी मेरे ख्याल में, क्योंकि वो पॉलिटिकली पाकिस्तान से काफ़ी स्ट्रांग है। मिली भाई को कुछ नहीं पता, भाई कह रहा स्टडी नहीं कर गया, भाई आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा, आपने व्हाट्सएप के मैसेज पढ़े हैं जो DGISPR की तरफ से बढ़ाए गए थे प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। भाई दुनिया की सारी वैक्सीन हमने बनाई है भैया, सारी कंपनीज हमारे यहाँ थी, सारी वैक्सीन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम दुनिया भर में भेज रहे हैं वैक्सीन, आप कह रहे हो हमारे में दिक्कत थी वैक्सीन। ऐसा नहीं क्योंकि वैक्सीनेशन इस काबिल है और उन लोगों को ये किताब दिया गया है बेस्ट वैक्सीनेशन का, तो ऑब्वियसली उन्होंने कुछ बनाया होगा अच्छा, तो उनको आके बाकी कंट्रीज भी तो सपोर्ट कर रही है ना, तो इसमें तो अच्छी बात है अगर वो इतना सक्सेसफुल हो रहे हैं तो इसका क्रेडिट उनकी गवर्नमेंट को दिया जाता। पाकिस्तान पे इसलिए नहीं खिताब दिया गया कि यहाँ पे टीम नहीं बनी, असल इसको कोरोना का पता ही नहीं चला कि कोरोना का टेस्ट किस तरह करना है, इनको सिर्फ यही चाहिए था कि फंडिंग आए, जिसको हार्ट अटैक हुआ उसको भी कोरोना में डाल दिया, ठीक है, जिसका वैसे कोई शुगर लो हुआ उसको भी कोरोना में डाल दिया, ठीक है, तो पाकिस्तान को इसलिए नहीं किया, उन्होंने 5 करोड़ पता नहीं किस तरह लगा दिया है, यहाँ पे तो ऐसे कार्ड निकले हैं तो 1500 रुपया दो कार्ड बन जाता है, तो उनकी वैक्सीन किसने लगवाई है? किसी ने नहीं लगवाई, तो इसलिए इनको खिताब नहीं दिया। इंडिया ने ये काम किया और इंडिया के जो कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने इतनी डेट में कवर कर लिया अपना। जी तो व्यूवर्स, आप पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी, इसी के साथ अपने मेज़बान रुबाह इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म, और खैर कुछ भाई लोग तो ऐसे ही हवा में सारी बातें हो रही थी, लेकिन यकीन मानिए भारत ने जो कर दिखाया है ना, पूरी दुनिया इस वक्त भारत की तरफ देख रही है, दुनिया के कोने कोने से भारत की इस मुहिम की इस मुकाम पर पहुंचने के लिए बधाइयों का तांता लग गया ट्विटर पे। खुद WHO ने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि भाई भारत ने जबरदस्त काम किया है, दुनिया आपकी तरफ देख रही है, और मतलब बड़ा ही जबरदस्त काम किया अपने लोगों के लिए। इसके लिए उसने सरकार को, लोगों को, सबको, यहाँ के हेल्थ वर्कर्स को, सबको उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है। दुनिया भर के सारे बड़े देशों के नेताओं ने हमारी सरकार को, हमारे हेल्थ वर्कर्स को, हमारे मेडिकल स्टाफ को, पैरामेडिकल स्टाफ को, फ्रंट में जो हमारे सारे लोग काम कर रहे हों, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे बाकी लोग हों, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। और ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, कोरोना जैसी महामारी से लड़ते हुए जिसके बारे में किसी ने शायद चाहे चीन को छोड़कर कोई नहीं जानता था, उससे लड़े,
वैक्सीन बनाई, इतने कम वक्त में बनाई वैक्सीन, टेस्टिंग के लिए टाइम कम था, ट्रायल के लिए टाइम कम था, मंजूरियां लेनी थी सरकारों से, वो सब करते 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 भारत ने एक कमाल किया। पूरी दुनिया में वैक्सीन सप्लाई करने के साथ साथ भारत के लोगों को वैक्सीन लगवाई गई। और मैं आपको बताता हूं, मेरे घर में, मेरे पूरे खानदान में या मेरे आसपास जानने वाले मेरी सोसाइटी में मुझे 18 साल से ऊपर ऐसा कोई बंदा नहीं मिला है जिसको दोनों डोज न लगे हों। और मैं सिर्फ यहां जिस शहर में रहता हूं वहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने गांव की ही बात कर रहा हूं। गांव में कोई ऐसा बंदा 18 साल से ऊपर का नहीं बचा है जिसको दोनों डोज न लग गई हो, और इसमें कोई झूठ नहीं है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, और इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने भी मेहनत की है उनका तहे दिल से शुक्रिया है। और कोविन ऐप जो हमारा है, अब तो उसको देशों में चर्चा चल रही है कि भाई कोविन ऐप जैसा सिस्टम लाया जाए जिससे पता चल सके डेटा कलेक्शन, डेटा ट्रैकिंग, सारी चीजें, और बहुत इजी कर दी थी कोविन ने, और अभी भी है, वैक्सीनेशन चल रही है, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है कहीं भी, गांव गांव से लेकर और शहरों में कहीं भी वैक्सीन की कमी नहीं, और मुफ्त में लग रही है वैक्सीन। तो आप समझिए कि ये छोटा मोटा काम नहीं किया है भारत ने, बहुत बड़ा काम किया है, और भविष्य में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप देखिए मेक इन इंडिया के तहत तो वैसे भी वर्ल्ड फार्मेसी हब कहा जाता है भारत को, दवाइयों के उत्पादन में बहुत आगे है दुनिया के कई देशों से भारत, और वैक्सीन में भी बहुत आगे है। तो आप सोचिए कि हमने अपनी वैक्सीन बनाई, हमने उसका प्रोडक्शन किया, हमने दुनिया भर में वैक्सीन पहुंचाई, तो आप समझिए कितना बड़ा काम है। और मुझे नहीं लगता है कि जिन देशों के पास भी हमारी वैक्सीन गई होगी वो लोग कभी भी इसको भूलेंगे। तो आगे भारत ऐसे ही नए कीर्तिमान बनाता रहे और उसमें सबका भला होता रहे, वसुधैव कुटुंबकम, हम तो वैसे भी मानते हैं। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।